देवास रोड दताना स्थित एमआईटी कॉलेज के पास पहाड़ी पर खाली पड़ी शासकीय भूमि पर अचानक अज्ञात कारणों से आग लग गई। आग ने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया। पास ही गेहूं की फसलें थी। ग्रामीणों की मेहनत से आग पर काबू पा लिया गया। ग्रामीणों ने पुलिस और फायर ब्रिगेड की सूचना दी थी। नरवर थाना प्रभारी तहसीलदार बिजली विभाग के अधिकारी के साथ मौके पर पहुंचे। ग्रामीण और फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया। गनीमत यह रही कि गेहूं की फसल बच गई। समय पर ग्रामीण स्थिति को नहीं संभालते तो हजारों हेक्टेयर गेहूं की फसल चौपट हो जाती। उज्जैन से अजय निमा की रिपोर्ट। जी बताएं किस प्रकार से आग लगी थी। अभी MIT कॉलेज परिसर में आग लगी थी कोई कारण से, तो अभी सभी ग्रामीण जनों ने मिलकर उस आग पे काबू पा लिया है। आग पूरी तरीके से बुझ चुकी है, जिसमें फायर ब्रिगेड भी आ गई थी गांव में, जिसमें पुलिस प्रशासन, तहसीलदार मैडम वगैरह और सुपरवाइजर पंड्या जी और डी साहब, इन लोगों का सबका सहयोग रहा कि उन्होंने तुरंत जो है ग्रामीण गांव की जंगल की लाइट चालू करवा कर जो है आग पे काबू पा लिया गया है। आग पूरी तरीके से आग जो है बुझ गई है। जी बताइए सर किस प्रकार से आग लगी। ये जो है पहाड़ी इलाका है, पहाड़ी इलाके पर जो है घास होती है और उस घास की वजह से जो है आग लग गई यहाँ। और आग लगी आसपास की जो है उपजाऊ ज़मीन है, गेहूं खड़ा है, गेहूं सूख रहा है। ऐसी स्थिति में जो है फायर ब्रिगेड को जो है खबर करी, फायर ब्रिगेड भी आ गई, आसपास गांव वाले भी इकट्ठे हो गए और काफ़ी लोगों ने मतलब प्रयास करके इसके ऊपर कब्जा पा लिया, नहीं तो जो है इस पर बहुत ज़्यादा हानि भी हो सकती थी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।